दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। आज की जो रियल घटना है वो मध्य प्रदेश मुरैना से स्थित है। कहते हैं मुरैना जो है वो मध्य प्रदेश का एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर अक्सर अजीब अजीब सी हरकतें होती रहती हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं जो शायद इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जो सब्सक्राइबर हमारे हैं जिनका नाम सूरज है, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी घटनाएँ बताई है जो आज से 30 से 40 साल पहले वहाँ पर घटी है, और वो इंसिडेंट ऐसी है जिसको सुनकर शायद आप दहल जाएंगे। दोस्तों कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मेरी एक इंस्टाग्राम की AI वाली जो रील है उसको 7 मिलियन क्रॉस करवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम बहुत जल्दी बड़े बड़े अचीवमेंट्स एक साथ अचीव करेंगे। ऐसे ही हमारे इंस्टाग्राम को सपोर्ट कीजिए, हमारे शॉर्ट्स को सपोर्ट कीजिए, हमारे फेसबुक जो जो अकाउंट्स बनेंगे उन सबको सपोर्ट कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं स्टोरी की तरफ दोस्तों। सूरज एक आम लड़का जिसने हमेशा अपने पेरेंट्स की सेवा की, उसने अपने सामने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद उस उम्र में देखना थोड़ा सा मुश्किल है, या उनको कहा जाए तो झेलना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों आपने सुना होगा चुड़ैल के बारे में, जिन के बारे में, भूत के बारे में, लेकिन आप सोचिए अगर आप एक ही ज़िंदगी में इन तीनों से रूबरू हो जाएं तो कैसा हो। सूरज ने अपनी ज़िंदगी लगभग मध्य प्रदेश में ही बिता दी। आज वो दिल्ली में स्थित हैं, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई वो किसी भी इंसान को उसकी पूरी जो बातें हैं हलक में फंसाने पर मजबूर कर देंगी। मतलब आप एक तरीके से मान लीजिए कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ऐसा इंसिडेंट भी हो सकता है। उनकी कहानी शुरू होती है 2011 से, जब वो शायद थोड़े छोटे थे, और उन्होंने बताया कि उनके घर के 3 गली छोड़ के एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था, पुरानी हवेली हुई करती थी जिसे पत्थरों से बनाया गया था, पहाड़ी पत्थरों से बनाया गया था, और कहा जाता है कि वो कोई आम पत्थर नहीं थे, मजबूत पहाड़ के पत्थर थे जिनको तोड़ना नामुमकिन था। कहते हैं कि एक रियल एस्टेट एजेंट ने उसका ठेका लिया कि वो उस जगह पे घर बनवाएगा, और उसने एक बहुत ही दिल्ली के अमीर इंसान को उस घर को बेच दिया बहुत सस्ते दामों पर, क्योंकि शुरू से ही वहाँ की मान्यता थी कि वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है, स्पिरिट है, भूत है, जो उस घर को, उस हवेली को बचा के रखते हैं। अब दोस्तों ये इंसिडेंट है जो सूरज के सामने हुआ, इस इंसिडेंट में उन्होंने मुझे बताया कि जब वो घर बनने लगा तो जो ठेकेदार थे उनके अंडर जो मजदूर आते थे उन्होंने उस घर को तोड़ना शुरू किया, जिनको बहुत टाइम लग जाता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था तोड़ने में। मतलब जो वो एस्टिमेट लेके चल रहे थे कि वो घर 3 महीने में टूटेगा, 4 महीने में टूटेगा, 6 महीने उन्हें नॉर्मली उस चीज़ को करते करते हो गए थे। आगे उन्होंने बताया कि उनके सामने की बात है जब उनके पापा वगैरह अच्छे खासे जवान हुआ करते थे, अब वो थोड़े एजिड हो चुके हैं, तो सबने एक बार देखा कि जब वो घर बन रहा था तो मजदूरों की अचानक से आपस में लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई किस बात पे हो रही थी कि उस घर में पत्थरों के बीच एक बोतल मिली जिसको चारों तरफ से पैक कर रखा था बुरी तरीके से, तो आधे मजदूरों ने वहाँ पर काम करने से मना कर दिया ये सोच के कि इसमें कोई शायद ऊपरी साया है जिसको बांध के रखा गया, और आधे मजदूर जिनके पास पैसों की बहुत कमी थी वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसएग्री थे कि आप काम नहीं रोक सकते। ठेकेदार को वहाँ पर बुलाया गया और ठेकेदार ने खुद जब उस बोतल को देखा और वहाँ के लोगों की बातें सुनी कि इस घर पे पहले ही बहुत सारी बातें बनी हुई है, तो ठेकेदार ने भी इस चीज़ को मना कर दिया कि ये घर जो है आगे नहीं बनेगा, हम इसे नहीं बनाएंगे। उन्होंने जो ऑनर थे उनको बुलाया, जो रियल एस्टेट एजेंट थे उनको बुलाया, तो जो ऑनर थे वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि मैंने इतना सारा पैसा लगा दिया और अब मजदूर पीछे हट रहे हैं, और ऑनर तो ऑब्वियसली गुस्सा होगा क्योंकि उसे ये चीज़ बाद में पता चली कि ये घर हॉन्टेड है या फिर इस घर के बारे में ऐसी ऐसी बातें भी हैं। तो ऑनर ने क्या करा, सबके हाथ से वो बोतल छीनी और सबके सामने उसे ज़मीन पर दे मारा, और दोस्तों अगले 3 सेकंड के अंदर कहते हैं कि सूरज के पापा ने उन्हें बताया कि 3 सेकंड के अंदर वो जो ऑनर थे उनके गले पे पूरी तरीके से हाथ के निशान आ गए। कहते हैं कि उस बोतल में जिन बंद था, वो इंसान जो ऑनर था वहीं पे ज़मीन पे तड़पना शुरू हो गया, सारी पब्लिक वहाँ जमा हो गई, सब ने बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। एट दी एंड वहाँ पूरा एक एम्बुलेंस को बुलाया गया और वो एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल में लेके गई जहाँ पे उनका 10 दिन तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन कोई भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत सारे इंजेक्शन, दवाई की गोलियाँ, इंजेक्शन से उन्हें सुलाया जाता था और कोई भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला। तो आखिरी में उनके घर वालों ने एक फैसला लिया कि उन्हें एक मौलाना को बुलाना पड़ेगा जो इस जिन से इस बॉडी को फ्री करेगा। वो ऑनर अजीब अजीब आवाज़ों में बात करता था, वो ऑनर पानी पी के अजीब अजीब आवाज़ों में बात करता था और पानी उसके मुंह से ऐसे फूट फूट के बाहर निकलता था जैसे लावा फूट रहा हो।
कितनी बार ऐसा होता था कि वो बैठा बैठा खून की उल्टी कर देता था, उसके हाथ पैर अपने आप पकड़ने शुरू हो जाते थे। ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। जब वो हॉस्पिटल के बाहर जाते थे तो वो जो ओनर था वो खिड़की में से बाहर ऐसे देखा करता था कि सामने गुजरने वाले को वो कच्चा चबा जाएगा। दोस्तों मैं सुन के काफ़ी शॉक हो गया था कि उस आदमी का पूरे इलाके में इतना ज़ोर से नाम हो गया कि वो आदमी पूरी तरीके से पागल हो रहा है। मौलाना ने बड़ी मुश्किल से 30 से 40 दिन अपना पूरा योजना लगा के तांत्रिक विद्या से उसमें से उस जिन को निकाला, एक बोतल में बंद किया, कर्मचारी थे उनको दिया और कहा कि इसे दफना दो कहीं दूर जाके। दोस्तों उस बोतल को दफना दिया गया, लेकिन अगले 30 दिन बाद उस आदमी की मौत हो गई जो वो ओनर था। कहते कि गलती से वो बोतल कहीं से थोड़ी सी खुल गई या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो जिन दोबारा वापस आ गया। और दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि इस बार मौत सिर्फ ओनर की नहीं हुई, उस तांत्रिक की भी हुई। जो मौलाना थे उनकी भी मौत हो गई और कहते हैं वो जिन आज भी उस हवेली में भटकते हैं, उसे कैद करा गया था। दूसरा इंसिडेंट जो सूरज ने मुझे बताया, वो बताते कि उनके एक रिलेशन में एक फैमिली मेम्बर थी जो उनके घर में आई थी और कहते कि 30 से 40 साल पहले इस चीज़ को बोला जाता था कि MP जो मध्य प्रदेश है वहाँ जो मुरैना इलाका है वहाँ पर रात को जब सब कुछ डेवलप्ड नहीं हुआ था तो रात को चुड़ैल घुमा करती थी, चुड़ैल और डायन घुमा करती थी। तो वहाँ की महिलाओं को ये सख्त आदेश था कि कोई भी खुले बाल करकर नहीं घूमेगा और ना ही वो परफ्यूम लगाएगा। दोस्तों सूरज ने मुझे बताया कि उनके जो रिलेटिव्स आई थी उन्होंने बाल खुले कर रखे थे और रात को वो झाड़ू लगा रही थी, नहाने के बाद वो निकली, उन्होंने परफ्यूम लगाया, बाल खोले और वो झाड़ू लगा रही थी, जो कि सब कुछ अपोजिट है, जो मना करा था वही वो कर रही थी। एकदम से उन्हें ऐसा लगा जैसे गेट पर कोई है, गेट नॉक होने की आवाज़ आई। जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो एक ज़ोरदार थप्पड़ जो फीमेल थी उनके मुंह पे लगा जो उनके रिश्तेदार थी और वो सीधा कोमा में चली गई। दोस्तों कहते हैं जब 10 दिन बाद वो कोमा से बाहर आई तो उन्हें सिर्फ इतना याद था कि उन्होंने एक लेडी को देखा जिसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े थे, खुले थे और उसकी आँखें काली थी और उसके बालों में से ऐसी हीट निकल रही थी जैसे कोई इंसान जलता हुआ चल के उसके सामने आया हो। और उसे सिर्फ इतना याद है कि जब उसे थप्पड़ लगा कुछ लगा वो वहीं पे चित हो गई और उन्हें और कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों आपको पता है 10 दिन बाद जब वो कोमा से बाहर आई थी तब तक भी उनके गाल पे वो जो निशान था वो गया नहीं था और आज तक वो पागलों वाली हरकतें करती है। जब उन्हें वो इंसिडेंट याद आता है कि उनसे क्या गलती हुई थी या उन्होंने गाँव वालों की बात नहीं मानी, MP के लोगों की बात नहीं मानी, तो उनके साथ क्या हुआ। अब जब चुड़ैल से रिलेटेड जिक्र चल ही रहा है तो दोस्तों मैं एक इंसिडेंट आपको और बता देता हूँ जो सूरज ने मुझे बताया कि उन्हीं के इलाके में एक पंडित जी रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। कहते कि वो मंदिर में ही रहा करते थे। एक दिन वो कहीं पे पूजा पाठ करने जा रहे थे, कुछ अपने जो सहपाठी थे जो उनके साथ रहते थे, जो साथ में पढ़ते थे उनके साथ पूजा करते थे और सामग्री वगैरह इकट्ठे करते थे, उनके साथ वो बाज़ार में से कहीं जा रहे थे तो पंडित जी को बहुत तेज़ टॉयलेट आया। पंडित जी ने अपने जितने भी साथी थे उनको कहा कि आप लोग चलिए मैं एक बार अभी आ रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि पहले 30 से 40 साल पहले वो जो हवेलियाँ हुआ करती थी पुरानी, उसके बीच में एक छोटी गली छोड़ देते थे। वो गली छोड़ देते थे ताकि वो कूड़ा ऊपर से फेंक दे, क्योंकि जो ऊपर घराने वाले थे जो अमीर घराने के हुआ करते थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके घर में कोई गरीब आए, तो वो कूड़ा भी बाहर फेंक देते थे, सब कुछ बाहर से ही रखा करते थे। तो उन्होंने बताया जो पंडित जी थे वो उस गली के पास गए और वो टॉयलेट करने की पोजीशन में आए ही थे, उन्होंने एकदम से हवेली में ऊपर देखा तो उन्हें बहुत सुंदर एक लड़की दिखी। और बताते कि पंडित जी ने खुद ये चीज़ बताई कि उनकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं पाई और आखिर में हुआ क्या, पंडित जी वहाँ पर बेहोश हो गए। और थोड़े टाइम बाद जब सारे लोग परेशान हो गए कि पंडित जी कहाँ पर है, वो अभी बोल के गए थे हमारे हैं, 10-15 मिनट उन्होंने वेट करा, जब वो ढूंढते वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पंडित जी जो है वो बेहोश हो रखे हैं। पंडित जी को फटाफट से उठाया गाड़ी में, फटाफट से हॉस्पिटल लेके गए और आप जान के हैरान हो जाएंगे दोस्तों, डॉक्टर ने जो चीज़ बोली, डॉक्टर ने बोला कि इनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं है, बस ये जिंदा है, वो एक चमत्कार है। अब इसको इस तरीके से माना जा सकता है कि शायद वो बच गए क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे, वरना जो चुड़ैल थी, जो लड़की थी, वो कोई डायन थी, चुड़ैल थी, कोई सिद्धि प्राप्त एक ऐसी औरत थी जिसने पूरे शरीर का खून चूस लिया। हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट दिखे जहाँ पर बोलते हैं कि आज भी ऐसी चुड़ैलें घूमती हैं जो इस तरीके की सिद्धि प्राप्त होती हैं, जो फल फ्रूट होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी सारी अंदर के पोषण वो खींच लेती हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इंसिडेंट न्यूज़ में भी आया था कि एक बार MP में ऐसा हुआ था, एक आदमी ने इस चीज़ को कन्फेस किया कि एक औरत उससे बात करने आई और वो उस औरत में ऐसा लीन हो गया कि उसके नीचे जितने भी रखे तरबूज थे उनकी तरफ उस आदमी ने देखा ही नहीं। और जब वो औरत वहाँ से चली गई तो कोई दूसरा कस्टमर आया जिसने बोला मुझे तरबूज चखना है, तो जब उसने अपने तरबूज काट के देखे तो वो पूरे सफ़ेद थे। मतलब वो जो चुड़ैल थी, वो जो सिद्धि प्राप्त डायन थी, वो उनमें से सारा रस चूस के चली गई थी, जो इंसान को देखने पर उसका खून भी चूस लेती थी। कहते हैं दोस्तों कि इन चुड़ैलों को, डायनों को कुछ समय के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करके अपनी आयु बढ़ा लेती हैं। अब कुछ लोग इस पर बिलीव करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। खैर, मैं आगे बताता हूँ। जब मैंने इस सिद्धि के बारे में थोड़ा सा जाना कि एक्चुअल में होता क्या है, तो मुझे पता चला कि ये पीपल या बरगद के पेड़ की कुछ कामना होती है जो इन चुड़ैलों को करनी होती है, और 42-52 दिन तक कहते हैं कि इन्हें वहाँ पर पूजा करनी होती है। कोई आम औरत भी अपने आप को इस सिद्धि से कुछ ऐसा बना सकती है कि वो खून चूस से अपनी उम्र बढ़ा सके। अब बोलते हैं कि उनको जब पूजा के दौरान वापस आना होता है तो कहते हैं कि उन्हें अलग अलग आवाज़ें आती हैं जो बिल्कुल उन्हें कन्विंस कर लेगी कि वो मुड़ के देख ले, लेकिन उन्हें मुड़ के देखना नहीं होता, अदरवाइज उनकी सिर्फ सिद्धि होती है, वो बुरी तरीके से खंडित हो जाती है। और आम इंसान अगर ये करता है तो कहते हैं कि 99% वो पलट के देखते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत होती है। तो ये जो सिद्धि प्राप्त चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप सुनते हो, जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बाबा हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हमारे पूर्वज सिद्धि चली आ रही है, हम ये बता देते हैं, हम वो बता देते हैं, तो लोग आज उन पर भी तो भरोसा कर ही रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप कैसे डिनाई कर सकते हो? दोस्तों, ये 3 इंसिडेंट थे जो मैंने आज आपको बताए। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगेन, जो आप हमारे इंस्टाग्राम पे रील्स को प्यार दे रहे हो, जो शॉर्ट्स को प्यार दे रहे हो, जो यूट्यूब पे आप प्यार जता रहे हो, उसको बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। आगे आपके साथ भी अगर कोई आप बीती हुई है, या आपके दोस्त के साथ, या कोई ऐसा है जो रिलेशन में है जिसके साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी स्टोरी आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं खुद अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।